चलिए बात करते हैं राहुल गांधी के प्रदेश दौरे की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सूरतगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कि पीएम ने नोटबंदी के जरिए काले धन वालों की मदद की है और साथ ही जीएसटी के जरिए व्यापारियों और आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। उन्होंने कहा कि देश को जुमलेबाजों से बचाने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आमजन को झूठे सपने दिखाए लेकिन कभी उन सपनों को साकार नहीं किया। कांग्रेस आमजन की पार्टी है, सत्ता में अगर आई तो न्यूनतम आय की गारंटी सरकार देगी। मोदी राफेल सहित कई महत्वपूर्ण बातों का जवाब नहीं दे पाते। इस आम चुनाव में जनता पूरा हिसाब किताब चुकाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की थी और सत्ता में आने के बाद से ही किसानों का कर्जा माफ भी किया गया। सूरतगढ़ में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो न्यूनतम आय की दर बनाएगी। गांधी के जरिए काले धन वालों की मदद की है, यह कहना है राहुल गांधी का। जीएसटी के जरिए व्यापारियों और आम जनता की कमर तोड़कर रख दी। राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई बड़े वादे किए, कई बड़ी घोषणाएं की और साथ ही मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस आम चुनाव में उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा को पूरा हिसाब चुकाएगी।